जब अल्लाह ने रूहों को बनाना चाहा तो कहा कुन, बेशुमार रूहें बन गईं अल्लाह के सामने और करीब अरवाह नबियों की, फिर दूसरी सफ में वलियों की, फिर तीसरी सफ में मोमिनीन की, फिर इनके पीछे आम इंसानों की, फिर हद निगाह से दूर सफ में औरतों की रूहें बन गईं, फिर इनके पीछे हैवानी नबाती और फिर ऐसी जमादी अरवाह जिनमें हिलने जुलने की ताकत भी न थी नमूदार हो गई। अल्लाह ने सब रूहों से ये भी पूछा था कि क्या मैं तुम्हारा रब हूँ। सब ने इकरार किया और सजदा किया था, यानी पत्थरों और दरख्तों की रूहों ने भी सजदा किया था। फिर अल्लाह ने रूहों के इम्तिहान के लिए मुस्नूई दुनिया और लज्जात बनाए और कहा अगर कोई इनका तालिब है तो हासिल कर ले। बेशुमार रूहें अल्लाह से मुंह मोड़ कर दुनिया की तरफ लपकी और दोजख उनके मुकद्दर में लिख दी गई। फिर अल्लाह ने बहिश्त का नजारा दिखाया जो पहली हालत से बेहतर अतात और बंदगी वाला था। बहुत सी रूहें उधर लपकी और उनके मुकद्दर में बहिश्त लिख दी गई। बहुत सी रूहें कोई फैसला न कर पाई, इन्हें फिर रहमान और शैतान के दरमियान कर दिया। वही रूहें दुनिया में आकर बीच में फंस गईं, फिर जिसके हाथ लग गईं उसी की हो गईं। बहुत सी रूहें अल्लाह के जलवे को देखती रहीं, न दुनिया की तलब और ना ही जन्नत की तलब। अल्लाह को उनसे मोहब्बत और उन्हें अल्लाह से मोहब्बत हो गई। उन्हीं रूहों ने दुनिया में आकर अल्लाह की खातिर दुनिया को छोड़ा और जंगलों में बसेरा किया। रूहों की तालीम तरबियत और मदारिज के लिए मजाहिब की सूरत में मदरसे कायम हुए और रोजे अजल की तकदीर के मुताबिक कोई किस मजहब में और कोई बेमजहब ही रहीं। अल्लाह की मुहिब रूहें भी इस दुनिया में आईं, कोई मुस्लिम के घर, कोई हिंदुओं, कोई सिखों और कोई ईसाइयों के घरों में पैदा हो गईं और अपने मजहब के जरिए अल्लाह को पाने की कोशिश करने लगीं। यही वजह है कि हर मजहब के खास ने रहबानियत इख्तियार की। कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम में रहबानियत नहीं है, ये अकीदा गलत है। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गारे हिरा में जाया करते थे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ख्वाजा मुइनुद्दीन अजमेरी, दाता अली हजमेरी, बड़ी इमाम शहबाज कलंदर वगैरह ने भी रहबानियत के बाद ही इतने बुलंद मुकाम हासिल किए और इन्हीं के जरिए दीन की इशात हुई। अल्लाह की मुहिब रूहें जो रोज़े अज़ल से उसके नज़ारा में गुम होकर उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी थी, इस दुनिया में आकर भी अपना तन मन धन कुर्बान करके उसकी तलाश में जंगलों बयाबानों में निकल पड़ी। साला साल की रियाजत, इबादत और मुजाहदात के बाद अपने रब के जलवा को दोबारा पाने में कामयाब हुई। वो रूहें जिन्हें दुनिया अंबिया, सिद्दीकीन, सालेहीन और औलिया अल्लाह के नाम से जानती है, अपने अपने मरातब पाने के बाद हुक्म रब्बी से खल्के खुदा को फैज पहुंचाने पर मामूर हुई। तारीख ऐसी बरगजीदा हस्तियों के नामों से भरी पड़ी है जिन्होंने खालिस्तन अल्लाह की रजा की खातिर अपना घर बार, दुनिया की आसाइशें, हत्ता कि अपनी जान की परवाह न करते हुए भी अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया और हक के परचम को बुलंद कर दिया। आज हम आपको एक ऐसे ही मर्द कलंदर के बारे में तफसीलन बताएंगे जिन्हें दुनिया हजरत सैयदना रियाज अहमद कोहर शाही के नाम से।
ولادت باسعادت بچہ۔ گاؤں کے شمال میں تھوڑی دور آبائی قبرستان موجود ہے۔ بابا گوہری شاہ رحمت اللہ کی قبر مبارک کے ارد گرد پہلے چار دیواری تھی۔ بعد میں قبلہ سرکار شاہ صاحب نے روضہ مبارک تعمیر کروایا۔ اس قبرستان میں آپ کی والدہ محترمہ کی قبر مبارک اور آپ کے صاحبزادے راحیل گوہر عرف شانی بابا، جن کا انتقال 3 سال 9 ماہ کی عمر میں رمضان المبارک کی 4 تاریخ کو ہوا، ان کا مزار بھی اسی قبرستان میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ دیگر قبور بھی موجود ہیں۔ ابتدائی ایام میں سرکار گوہر شاہی نے ایران اور بنگلہ دیش کا سفر بھی کیا۔ سفر سے واپسی پر آپ نے جہلم میں کچھ عرصہ کے لیے کینٹین کھولے رکھی۔ سرکار گوہر شاہی اپنی تحریر روحانی سفر میں لکھتے ہیں، جب سن بلوغت کو پہنچا تو فقیری کا شوق انتہا کو پہنچ چکا تھا، لیکن سرابی کسی طریقے سے نہ ہو رہی تھی۔ دن رات بابا گوہر علی شاہ کے مزار پر بیٹھا درود شریف پڑھتا رہتا، جتنے نوافل پڑھے جا سکتے پڑھ لیتا، تہجد بھی پڑھتا، لیکن جس راستے کی تلاش تھی اس کا نام و نشان نہ ملتا۔ راولپنڈی صدر جی پی او سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر سرکار گوہر شاہی کے جد امجد بابا گوہر علی شاہ کا یہ دوسرا مزار ہے۔ بکر منڈی کا یہ علاقہ جہاں آپ کچھ عرصہ کے لیے مقیم رہے، آپ کی گدڑی اور اثار یہاں دفن ہیں۔ بابا گوہر علی شاہ کے نام سے مشہور یہ مزار جہاں کثیر تعداد میں لوگ آ کر اپنی منتیں مانتے ہیں، آپ کے گھر والے مزار سے زیادہ یہاں پر فیض کا سلسلہ زیادہ مانا جاتا ہے۔ دیول شریف، یہ وہ مقام ہے جہاں سرکار گوہر شاہی ابتدا میں روحانیت کے حصول کے لیے آئے۔ آپ فرماتے ہیں، ہماری برادری کے ایک پولیس انسپیکٹر جو پیر صاف اب دیول شریف کے مرید تھے، مشورہ دیا کہ یہ راستہ بغیر مرشد کے طے نہیں ہوتا، پہلے کسی کا دامن پکڑو، اور میں پیر صاحب دیول شریف سے بیعت ہو گیا۔ انہوں نے نماز پڑھنے کی تاکید کی اور ایک تسبیح اللہ پڑھنے کی بتائی، اور جب بھی تنہائی ملتی اللہ پڑھتا رہتا۔ دیول شریف راولپنڈی سے 54 کلومیٹر کے فاصلے پر براستہ کوہ مری بھور بن واقع ہے۔ دیول سنسکرت زبان کا لفظ ہے، موجود آبادی 30,000 نفوس پر مشتمل ہے۔ اس کی شمار اور مغربی جانب فرنٹیئر اور مشرقی جانب آزاد کشمیر کا علاقہ ہے، اور صوبہ پنجاب کی آخری سرحد پر واقع ہے۔ اس وقت کے سجادہ نشین پیر عبد المجید سے سرکار گوہر شاہی بیعت ہوئے، جو کہ جامع مسجد مصطفیٰ کے پیش امام تھے۔ آپ کے والد کا نام میاں عبداللہ تھا، جن کا مزار یہاں موجود ہے۔ تقریباً 1 سال گزرنے کے بعد جب روحانی پیاس بجھتی نظر نہ آئی تو آپ نے پیر صاحب سے بیعت توڑ دی اور قسمت آزمانے کے لیے گولڑ شریف کا رخ کیا۔ گولڑ شریف پیر میر علی شاہ صاحب کی نسبت سے مشہور اسلام آباد کے نواح میں یہ چھوٹا سا شہر، جہاں سرکار گوہر شاہی صاحبزادہ معین الدین سے بیعت ہوئے، ان سے ملاقات کا احوال سرکار نے کچھ یوں بیان فرمایا۔ اب گولڑ شریف صاحبزادہ معین الدین صاحب سے بیعت ہوا، انہوں نے نماز کے ساتھ ایک تسبیح درود شریف کی بتائی۔ میں نے کہا، کوئی ایسی عبادت بتائیں جو میں ہر وقت کر سکوں، بقول اس آیت کے، جب نماز پڑھ لو تو میرے ذکر میں مشغول ہو جاؤ، اٹھتے بیٹھتے حتیٰ کہ کروٹیں لیتے بھی۔ انہوں نے کہا کہ تو کس زمانے میں ایسی بات کرتا ہے، ایسے طالب ختم ہو گئے، جا نماز پڑھ، گناہوں سے توبہ کر، ایک تسبیح روزانہ درود شریف کی پڑھا کر، ماں باپ کی خدمت کر، رزق حلال کھا،
और हमारे आस्ताने पर हाजिरी भी दिया कर, बस यही काफ़ी है। मैंने कहा, नमाज भी पढ़ता हूँ, दुरूद शरीफ की भी कई तस्बीहें पढ़ता हूँ, लेकिन प्यास नहीं बुझती। उन्होंने कोई जवाब न दिया और बेरुखी से दूसरे शख्स की तरफ मुतवज्जो हो गए और फिर थोड़ी देर बाद आस्ताने से उठकर चले गए। मैंने यही समझा कि इनके पास भी जहरी लिबादा है, वरना तालिब से इस तरह कोई बेरुखी नहीं करता। और बैठे ही बैठे वहां से भी बैत टूट गई। मजार के इस खूबसूरत इहाते में एक जानिब पर मौलवी शाह साहब का खूबसूरत मजार, वसी मस्जिद, और वजू के लिए हौज मौजूद है। सरकार गांव शहर के आबाई गांव गांव शहर के नवाब में साल बाबा के नाम से एक बुजुर्ग का मजार है। वहां आपने मुसलसल 40 रोज तक चिल्लाकशी भी की। रूहानी सफर जरूर है कि जान अवतार के दरबार पर चला जा, वो जीरा पीर है, तुझे अपने रहम का इशारा मिल जाएगा। मैं जान अवतार के दरबार पर पहुंचा, इशा की नमाज पढ़ी, कुछ नवाफिल भी पढ़े और थकन की वजह से जल्दी नींद आ गई। रात का कोई हिस्सा था, देखा तो एक बुजुर्ग सामने खड़े थे। उनके करीब दो आदमी और भी थे जो सिर्फ एक एक धोती पहने हुए थे। बुजुर्ग ने कहा, इनके साथ जाओ और मिसवाके काट लाओ। मैं इन दो आदमियों के साथ करीबी जंगल में चला गया और झाड़ की मिसवाके तोड़ने लगा। ये वाकया रूहानी सफर में तफसीलन दर्ज है। जाम दातार का पूरा नाम हजरत असगर अली शाह साहब है, सिंध में जाम साहब के नाम से मशहूर है। जिला नवाबशाह से 28 किलोमीटर के फासले पर मशरक की जानिब इनका मजार वाकया है। मजार के साथ ही कब्रिस्तान है। मजार शरीफ के शुमाल की तरफ आधा किलोमीटर के फासले पर ये वो जगह है जहां उस जमाने में जंगल था और सरकार बहुत शाही को मिसवाके काटने के लिए भेजा गया था, जिसमें पीलों के दरख्त थे। मौजूदा दौर में जंगल की जगह खेतों ने ले ली है। यहाँ से सरकार गौरशाही का घर वापसी और 12 साल पर मुहित कारोबारी अजवाजी जिंदगी का अरसा है। गुजर खान, रावलपिंडी से 50 किलोमीटर के फासले पर यह शहर जहाँ सरकार गौरशाही ने इलेक्ट्रिक और स्पेयर पार्ट्स के कारोबार का आगाज किया। मेन रोड पर मौजूद इन चार दुकानों में से एक दुकान आपने किराए पर ली। मौजूदा दौर में निशानदेही के लिए दुकानों के करीब जिना होटल और मैरिज हॉल है। ये टेंच भाटा मुकलाबाद बाजार रावलपिंडी है, जहां आपने गैस के चूल्हों की इंडस्ट्री लगाई, जिसका तज़किरा रूहानी सफर में इन अल्फाज के साथ मौजूद है। मेरी इंडस्ट्री का कारोबार खूब चमकने लगा। इंडस्ट्री में काफी मेहनत की, खूब पैसा कमाया, अच्छा खासा कारोबार किया। कुछ अरसा सांगड़ में भी आपने इलेक्ट्रिकल का कारोबार किया। रूहानी सफर में साईं असलम का वाकया तहरीर है। हम सिर्फ इस इलाके की निशानदेही कर रहे हैं। रावलपिंडी पुराना लालाजार तुलसा रोड के करीब साईं असलम का ये घर वाकया है। उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि बहुत अर्सा पहले सरकार गौरशाही मेरे पास तशरीफ लाए थे। रूहानी सफर में हजरत इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाह का भी तस्करा तहरीर है। एक दिन मैं बरी सरकार की मजार पर गया, वही बुजुर्ग एक साय की शक्ल में चादर पर बैठे नजर आए। हर सवाल का जवाब तसल्ली बख्श दिया। अब मुझे ये यकीन हो चुका था कि ये बुजुर्ग इमाम बरी की रूह मुबारक है। इमाम बरी सरकार के रूहानी हुक्म से आप सरकार ने 3 दिन के अंदर तज़किए नफ्स के लिए दुनिया तर्क कर दी। इमाम बरी सरकार का वाकया सरकार गौरशाही की तसनीफ रूहानी सफर में तफसीलन दर्ज है।
इस साया यानी इमाम भरी सरकार ने हुक्म दिया कि अब तस्किए नफ्स के लिए 3 दिन के अंदर अंदर दुनिया छोड़ दो। हुक्म को 3रा दिन था, रात के 12 बज रहे थे। आंखों में आंसू लिए धीरे धीरे कदमों से नामालूम मंजिल की तरफ रवाना हुआ। कदम लड़खड़ा रहे थे, इतने में एक टैक्सी करीब आकर रुकी। पूछा, कहाँ जाना है? मैंने कहा, GTS के अड्डा पर। टैक्सी सड़क पर दौड़ रही थी और मैं अपने आबाई शहर को हमेशा के लिए खैराबाद कह रहा था। सरकार बाहर शहर पहले लाहौर दादा साहब पहुंचे। और फिर शाहकोट के नजदीक सुल्तान अल फुकरा हजरत सखी सुल्तान लौर रहमतुल्लाह के दरबार पर हाजिर हुए। आप फरमाते हैं कि उन्हीं के हुक्म से नौ खरीदी और फिर सहन शरीफ रवाना हो गया। बस के तमीज सफर में नौ उठता रहा। उसकी हर सत्र मेरे दिल पर असर कर रही थी। एक जगह पे लिखा था कि जो इस किताब को पढ़कर भी वासिल बिल्ला न हुआ कमबख्त बेनसीब है। सरकार गुहर शाही मगरिब के वक्त हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह के दरबार पर पहुंचे। लोग धमाल कर रहे थे और अपने हाल से बेखबर लौटपोट हो रहे थे। सरकार फरमाते हैं कि मेरे कान में आवाज आई, शहबाज के आशिकों का ये हाल है और तू अल्लाह के इश्क का दावेदार है। स्टेशन के सामने वाली पहाड़ी पर चला जा और जो तरीका नूर खुदा में लिखा है उसी तरीका से तसव्वुर के साथ इस मिजाज का जिक्र कर। मैं उसी वक्त पहाड़ी की तरफ चला गया और इस मिजाज के जिक्र में मशगूल हो गया। दिल की धड़कन सखी सुल्तान लौर रहमतुल्लाह के दरबार से ही नुमाया हो गई थी और आज वही धड़कन अल्लाहू में तब्दील हो गई थी। मैं अपनी किस्मत पर बहुत खुश था कि जिस राज को बचपन से ही दरबारों गुबारों और जंगलों में ढूंढता फिरता रहा था अपने कल्ब में पाया। सेवन स्टेशन के साथ ये वो पहाड़ी टीला है जो तजल्ली गाह के नाम से मशहूर है, जहां कलंदर पाक ने सरकार को इस मिजाज की मश्क के लिए भेजा था। इस जगह का वाकया कुछ यूं है कि आज की शब यानी 15 रमजान मुबारक जब सूरह मुजम्मिल की तलावत कर रहा था, मैंने देखा कि फजर का समा हो गया और पहाड़ी के इर्द गिर्द बेशुमार कुर्सियां बिछ गईं और फिर इन कुर्सियों पर बेशुमार बुजुर्ग अरबी लिबास में मलबूस रौनक अफरोज हुए। 13 आदमी मेरे करीब खड़े कर दिए गए और एक सदा आई, आज चुनाव होने वाला है। वो आदमी मुझसे काफी बड़े थे, किसी ने सिर्फ कपड़े की धोती और किसी ने दरख्तों के पत्तों से अपना जिस्म ढांपा हुआ था। मालूम होता था कि अरसा से जंगलों में चिल्ले वजीफे कर रहे हैं। इतने में आसमान से बिजली की माने एक लंबी रौ आई और मेरे जिस्म पर आन गिरी। हाजरीन हैरान थे कि ये कैसे हो सकता है, कल का आया हुआ पुरानों पर सबकत ले जाए। इन 13 आदमियों के मुंह से निकला कि शायद भूल हो गई। इतने में दोबारा बरकी रौ आई और मेरे जिस्म पर आन गिरी। इन 13 आदमियों में से किसी ने गुस्सा से किसी ने हैरत से मेरी तरफ देखा और चले गए। इस वाकया के बाद मेरा जिस्म सख्त भारी हो गया और मैं बगैर कोई मश्क किए लेट गया। बाल बाल से अल्लाहू की आवाज सुनाई दे रही थी, हत्ता के दिल से ऐसी सुरीली आवाज आ रही थी जैसे कोई बच्चा अल्लाहू पढ़ रहा है। मैं जिस सिमत देखता लफ्ज़ अल्लाह लिखा नजर आता और अब दिल पर भी खुशखत सुनहरी लफ्ज़ अल्लाह नजर आया। बेख्तियार जुबान से सुभान अल्लाह निकला। आज के बाद कई किस्म की मखलूक और कई बुजुर्गों की अरवाह मुझे देखने के लिए आते।
सर्दियों के मौसम में सरकार गोहरशाही को लाल बाग में इस दरख्त के नीचे बैठने का हुक्म हुआ। यही जगह आपकी चिल्लागाह के नाम से मशहूर है। बाद में आपके मुरीदैन ने चार दीवारी बना के चिल्लागाह को महफूज कर लिया। चिल्लागाह की दाईं जानिब कलंदर बाग रहमतुल्लाह अलैह की चिल्लागाह है। आपकी किताब रूहानी सफर में 50 साल मस्तानी माई का भी जिक्र है, जो कि शैतान की चेली थी और सरकार गोहरशाही को तरह तरह के हीले बहानों से असल राह से हटाने पर मामूर थी। सरकार की चिल्लागाह के साथ ही इस जगह मस्तानी माई की झोपड़ी हुआ करती थी। लाल बाग में ये वो चश्मे हैं जहां सरकार गोहरशाही वुजू के लिए इन रास्तों से आते थे। इसी चश्मे के पास जो खजूर का दरख्त है, रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का वाकया रूमा हुआ था। सरकार गोहरशाही फरमाते हैं कि रात के तकरीबन 3 बजे होंगे, जिक्र की मशक के बाद खड़े होकर दुरूद शरीफ का वित कर रहा था। फजर का समा हो गया, चश्मों की तरफ से बेशुमार मर्द औरतें कतार दर कतार खड़े हैं। सोचता हूँ कि आज कोई बुलंद मर्तबा मिलने वाला है। ये लोग मुझे देखने के लिए आए हैं, लेकिन ख्याल आता है कि इनकी पुश्त मेरी तरफ है, ये किसी और का इंतजार कर रहे हैं। मगरिब की तरफ से एक सब्ज रंग का रोजा उठता आ रहा है और जहाँ लोग जमा हैं वहीं उतर गया। रोजे में से एक नूरानी सूरत नमुदार हुई, औरतों ने देख कर झूमना शुरू कर दिया। उनकी जुबान पर ये अल्फाज थे, या नबी सलाम अलैक, या रसूल सलाम अलैक। मर्द भी झूम रहे थे और अस्सलात व सलाम अलैक या रसूल अल्लाह पढ़ रहे थे। अब वो बुजुर्ग मजमा से गुजर कर मेरी तरफ बढ़े, जो जो करीब आ रहे थे खुशी से आंसू जारी हुए जा रहे थे। देखने की ख्वाहिश है लेकिन नजर ऊपर को नहीं उठती। नूर है जिसे आंखों को देखने की ताब नहीं, न देखूं अरमान रहे और देखूं तो जान जाए। ये नहर लाल बाग के करीब ही वाकया है। इन दोनों जब सरकार गोहरशाही लाल बाग में चिल्ला फरमा रहे थे, इसी नहर की रवानी किनारों तक थी। आपने रूहानी इशारे के मुताबिक इस पुल से नहर में छलांग लगा दी थी। हुक्म रब्बी से पानी ने रास्ता आपके लिए छोड़ दिया और आप सही सलामत किनारे तक पहुंच गए। ये वाकया आपकी आजमाइश थी और आप फरमाते हैं हमें इस आजमाइश से भी गुजरना पड़ा। नहर के पास सड़क के किनारे ये चाय के उस होटल के निशानात हैं जहाँ सरकार गोहरशाही अक्सर चाय पीने के लिए आते थे।
उनके मसाइल सुनते और पानी भी दम करके दिया जाता, जिससे बहुत से लाइलाज मरीज शफायाब हो जाते। ये सिलसिला आज भी जारी है। इसी जगह अंजुमन सरफरोशान इस्लाम की बुनियाद रखी गई, जो 1989 में 4 अफराद पर मुश्तमिल थी और बाद में पूरे पाकिस्तान में इसके मराकज कायम हो गए। यहीं पर आपने रूहानी सफर जैसे मौलाना तसव्वुफ पर मबनी कुतुब तहरीर फरमाई। मरहूम कबूल भी की मोटरसाइकिल इब्तदा में मिशन के फरोग के लिए सरकार शाह साहब के जरिए इस्तेमाल रही। खुदा की बस्ती कोटली, यह हैदराबाद के नजदीक जिला दादू की एक तहसील है। सरकार गोहरशाही की रिहाइश का है, जो कि इब्तदा में बतौर आस्ताना के इस्तेमाल की गई। मरकजी एतकाफ और सालाना ग्यारहवीं शरीफ की इब्तदा भी यहीं से हुई। और मरकज रूहानी अंजुमन सरफरोशान इस्लाम इंटरनेशनल। खुदा की बस्ती इस पानी के लोगों के आस्ताना की जरूरत उस वक्त महसूस हुई जब सरकार गोहरशाही की रूहानी मिशन का दायरा कार पाकिस्तान से निकलकर बैरूनी ममालिक तक फैल गया। सरकार शाह साहब की रिहाइश का आस्ताना यहां मुंतकिल हुआ। रूहानियत के हुसूल के लिए दूर दराज से बहुत सी तादाद में लोग यहां आते हैं। ये ललहाता परचम दूर से ही इस आस्ताने की निशानदेही करता है। आस्ताने के मरकजी गेट से अंदर दाखिल होते ही आस्ताने की वसी मस्जिद मस्जिद वसिया है। मस्जिद के सामने आस्ताने का वसी सहन है। सहन की दूसरी तरफ मस्जिद के मुकाबले रूहानी मदरसा है, जहां जदीद उलूम के साथ शरीयत तरीकत की तालीम भी दी जाती है। मदरसे से मुहित दाएं जानिब लंगर खाना है, जहां मेहमानों की तवाज़ो की जाती है। मस्जिद के दाएं जानिब आस्ताने का ये हिस्सा ख़वातीन के लिए मखसूस है, जिसे दीवार के जरिए मर्दाना आस्ताने से अलग कर दिया गया है। आस्ताने के इस हिस्से में ख़वातीन के लिए एक बड़ा हॉल वुजूखाना और सामने सरसब वसी लॉन है। आस्ताने के लिए सेवा का इंतखाब सरकार गोहरशाही ने खुद फरमाया, जैसा बातों में दिखाया गया था।
के जरिए अल्लाह की मोहब्बत की रूहानी फैज से लाखों मुर्दा कलूब को इसमें अल्लाह से जिंदा जावेद किया। आपके सादा मगर जामे और फिरका वारियत मजहबी तसुबा से पाक पैगाम को पाकिस्तान के अलावा हिंदुस्तान, यूरोप, अमरीका, कैनाडा तक बेहद मकबूलियत हासिल हुई। फिरका परस्त मायूस और मुफाद परस्त किस्म के लोग आपकी इस कदर मकबूलियत को देख कर बुखला गए। तरह तरह के इल्जाम और फतवे लगाए गए। नवाज शरीफ और बेनजीर हुकूमत ने भी एजेंसियों का सहारा लेकर आपके मिशन को दबाने की नाकाम कोशिश की, मगर आपके गैर मुतजल्जल इरादों के सामने सब जेर हो। आपकी अजमत दुनिया पर आश्कार कर दी। चांद पर छवि से मुतल्लिक मुख्तलिफ ममालिक से शहादतें भी मौसूल हुई। कैमरा से चांद की तस्वीर लेकर कंप्यूटर पर तहकीक भी हुई। बाद अज़ां नासा को भी इस छवि की निशानदही कराई गई। इस पर उन्होंने कहा कि हमें मालूम है कि चांद पर चेहरा है जो कि 200 मील लंबी रोशनी से मालूम होता है। कुछ अमरीकी शहरियों ने भी नासा से इस तस्वीर के बारे में वजाहत मांगी, मगर गोरशाही का मुसलमान और एशियाई होने की वजह से नासा खामोश रहा। पाकिस्तान के मुख्तलिफ अखबारात में चांद और हीरे अस्वद में सरकार गोरशाही की छवि के हवाले से खबरें शाया हुई। खुद सरकार गोरशाही ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से इस हवाले से तहकीकात की अपील भी की। बजाय तहकीकात के आपको मुख्तलिफ मुकदमात कायम करके इस मसला को दबाने पर मजबूर किया जाने लगा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अजीम रूहानी शख्सियत सैयदना रियाज अहमद गोरशाही की अपील। मैं हुकूमत पाकिस्तान और इसके अमलदारान से अपील करता हूँ कि चांद और हीरे अस्वद पर तस्वीर के मुतल्लिक मुकम्मल तहकीकात कराएं। अगर ये दुरुस्त साबित हों तो मेरी पुष्पनाही करें ताकि पूरी दुनिया में अल्लाह की मोहब्बत का प्रचार और तमाम मजाहिब के दिलों को एक करने में आसानी हो और अवाम भी एक सिमत का तय्यन कर सकें। अगर मंदरजा बाला वाक़ियात गलत साबित हों तो हुकूमत किसी भी सजा या बंदिश की मजाज है। रियाज अहमद गोरशाही। कमजर सियासी फिरौन, कम नजर मुआशी कारून, रस्मी रूहानियत के कम कोश विलियम बाउर, आजलाना फतवाबाजी का शौक रखने वाले दुश्मन इनकलाब, काबिली तबके के मुतशद्दद मसलक की प्रोहत, जिन्होंने मसलक के दाखला खारजा रजिस्टर का चार्ज संभाल रखा है, जब चाहा जिसे चाहा दीन से खारिज कर दिया, जिसे चाहा दाखिल कर दिया, दीन के नाम पर मसलक, मसलक के नाम पर फिरका और फिरका के नाम पर नफरत का जहर घोला जाने लगा। आज का मुसलमान परेशान है कि जाए तो कहाँ जाए। दूसरी तरफ अगर आर्मी हालात पर नजर डाली जाए तो दिल दहल जाता है। मुल्की मफादात की जंग, कत्लो गारत, जुल्म सितम, मुआशी इस्तेसाल, गुर्बत, मजहब और फिरका वारियत के बुत पाश पाश करके इंसान को इंसानियत दे रहा।
रहा है। हम तमाम मालूम इंसानियत को हजरत सैयदना रियाज अहमद गोहरशाही से बगैर किसी तमा के इस मिजात अल्लाह के रूहानी फैज हासिल करने की दावत देते हैं। आइए अपने सीनों को इसमें अल्लाह से मुनव्वर करने के लिए अपनी किस्मत आजमाएं। अल्लाह हम सबको अपनी पनाह में रखे। इजाजत दीजिए, अल्लाह मेहरबान।